नमस्कार, मैं स्वाति जोशी और आप डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और इस चैनल की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरे साथ डॉक्टर रत्ना अष्टेकर हैं। नमस्ते डॉक्टर, आज हमें आप डायबिटीज के बारे में क्या बताने जा रही हैं? आज हम बात करेंगे डायबिटीज के टेस्ट के बारे में, मतलब अलग अलग जो परीक्षण होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें से कुछ परीक्षण ऐसे हैं कि जो बहुत शुरू से करना जरूरी है, क्योंकि भारतीय उपखंड में डायबिटीज का प्रमाण काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको मालूम ही नहीं होता कि हमें डायबिटीज है। तो अब किसने टेस्ट करनी चाहिए कि हमें डायबिटीज है कि नहीं, इसलिए इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर नाम की एक बहुत आसान प्रणाली डेवलप की जा चुकी है। उसमें हमें अगर हमारा रिस्क स्कोर ज़्यादा आया, मतलब 60 से ज़्यादा, अच्छा, तो हम हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, तो उन्होंने तो तुरंत करना चाहिए। मॉडरेट है 30 to 60, जो मध्यम स्वरूप से आपको उसकी रिस्क है, डायबिटीज के रिस्क है, दैट इज तो भी आपने ये जरूर परीक्षण करवाना है। लेस देन 30 है तो अगर आपको रिस्क है वो मिनिमम रिस्क है। तो अब ये जो टेस्ट डेवलप की है इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर, उसमें चार बहुत ही आसान चीजें उन्होंने कंसिडर की है और उसका सीधा संबंध डायबिटीज से है। जैसे आपका, मान लो आपकी उम्र, अगर आपका एज ग्रुप कौन से स्लॉट में है, लेस देन 30, 35, 35 टू 40, मोर देन 40 एक्सेट्रा, हाँ जी, तो अलग अलग उसका स्कोर है, ठीक है। वैसे ही आपका कमर का घेरा, कमर का घेरा आपको बताता है कि आपको सेंट्रल ओबेसिटी कितनी है। तो अगर वो मान लो वीमेन्स महिलाओं में अगर वो 80 से नीचे है तो अच्छी बात है, अच्छा, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो इस तरीके के चिंताजनक है, हाँ, परीक्षण करवाना जरूरी, और उसके लिए फिर स्कोर डेवलप किया है, स्कोर, अच्छा, में उसका रूपांतर किया है, अच्छा। वैसे एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज रेगुलर करती है वो अच्छा, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज है, मॉडरेट एक्सरसाइज है या बिल्कुल ही नहीं, उसके ऊपर अगेन आपका स्कोर आएगा। वैसे ही फैमिली हिस्ट्री, मतलब अनुवांशिकता के हिसाब से आपको एक आपके पेरेंट्स में डायबिटीज है कि नहीं है, अगर आपके किसी एक पालक को आपके डायबिटीज, माता या पिता, हाँ, या आपके दोनों माता पिता दोनों को है, तो इस तरीके से वो स्कोर कैलकुलेट करना बहुत आसान बात है। और अगर आपको मॉडरेट से ज्यादा, अगर आप ये रिस्क स्कोर में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको कुछ भी लक्षण ना होने के बाद भी आपने ये परीक्षण करना बहुत जरूरी है। और अब कौन सा परीक्षण करना जरूरी है, हम बोलते हैं कि HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन, अच्छा, ये दो टेस्ट है। अब आमतौर पे किए जाने वाले टेस्ट है फास्टिंग PP शुगर, लेकिन अब मैंने आपको मान लिया, बोला कि आप स्वाति जी, आप अगले हफ्ते में आप जाके आपके टेस्ट करवा फास्टिंग PP करके नतीजा लेके आइए, तो आप क्या करेगी? मैं वही कोशिश करूंगी कि कुछ मीठा ना खाऊं, थोड़ा सा कसरत कर लूं, हाँ, थोड़ा अपना तरीका बदल लूं, जी हाँ, तो ताकि मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल आए। एग्जैक्टली, तो इसीलिए ऐसा होता है ना कि सिर्फ फास्टिंग PP पे हम निर्भर होकर ये नहीं बता पाते आपको कि आपको डायबिटीज है या नहीं। HbA1c एक तपास जो है ना, ये हमें ये बताता है कि गए 3 महीने में आपके एवरेज ब्लड शुगर कैसे है, यानी कि हमारी चोरी पकड़ी जाती है, हाँ, तो ये जरूरी है। अगर आपका HbA1c 6.4 से ज्यादा निकला, अच्छा, तो आपको डायबिटीज है। फास्टिंग इंसुलिन, ये खाली पेट करवाने वाली इंसुलिन, ये हार्मोन की तपास है। अब खाली पेट इंसुलिन को काम कुछ है क्या? नहीं, वो तो बहुत नहीं, नेग्लिजेबल, हाँ, बहुत ना के बराबर काम है उसको। तो उसकी मात्रा लेस देन 10 होनी चाहिए, 10 से कम,
10 से अगर ज्यादा है, आप इंसुलिन कराते हो तब, अगर 10 से उसकी भी मात्रा ज्यादा है तो उसका मतलब ये कि आप प्री डायबिटीज तो डेफिनेटली है। मान लो आपका HbA1c नॉर्मल है। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, HbA1c नॉर्मल है लेकिन फास्टिंग इंसुलिन अगर आपका ज्यादा है तो मतलब ये कि आप प्री डायबिटीज जोन में, हमें सतर्क होना है। सतर्क। तो ये दो टेस्ट है जो हम बोलते हैं कि इस अभियान में हम जरूर करवा लें। इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर की मदद इसके लिए हम जरूर ले सकते हैं कि अगर हम मॉडरेट जोन में है तो जरूर ये टेस्ट करवाने जरूरी है। यानी कि HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन, जी हाँ, ये सबसे पहले टेस्ट आपको करवाने जरूरी है अगर आप जानना चाहते हैं कि आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, या संभावना है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। अब इसके आगे के एपिसोड में हम डायबिटीज कौन से परीक्षण करवाने हैं, जी हाँ, उसके बारे में सब विस्तार से बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे दी हुई इंटरनेट लिंक पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, आपके पास ये जानकारी सबसे पहले पहुंचे इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।